हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे दिल्ली पे। दिल्ली में फाइनली 50 दिन के लॉकडाउन के बाद रेस्ट्रिक्शंस पे कुछ छूट दी जा रही है। क्या कुछ खुला है? शॉप्स एंड मॉल्स को अलाउ किया गया है इवन ऑड बेसिस पे ओपन होने के लिए, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। स्टैंड अलोन शॉप्स को अलाउ किया गया है ऑपरेट करने के लिए ऑन सम कंडीशंस। प्राइवेट ऑफिसेज़ को अलाउ किया गया है 50% स्टाफ पे, और मेट्रो ट्रेन्स को अलाउ किया गया है ऑपरेट करने के लिए 50% कैपेसिटी पे। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को लास्ट वीक ही अलाउ कर दिया गया था। गवर्नमेंट का कहना है कि वो थर्ड वेव के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। जहां एक और ये रिलैक्सेशन पब्लिक और बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, वहीं दूसरी ओर एक डर पैदा होता है कि कहीं हम दोबारा से वो सिचुएशन में वापस तो नहीं चले जाते जो एक महीने पहले थी, जब जाने जा रही थी, हॉस्पिटल्स की हाल ख़राब थे, ऑक्सीजन की कमी थी, मेडिसिन की कमी थी, कुछ लोग तो मौत को मात दे के इस वायरस से बाहर आए हैं। ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि क्या पब्लिक रेडी है इस अनलॉक के लिए? आपको क्या लगता है, क्या हम लोग रेडी हैं इस अनलॉक के लिए? क्योंकि इस वक्त अगर आप बाहर निकल के देखो तो सीन्स बहुत डिफरेंट हैं। जहाँ एक महीने पहले गलियाँ बिल्कुल सुनसान हो गई थी, वहाँ चहल पहल है, लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे केसेस घट रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के मास्क भी गायब होते जा रहे हैं। किसी ने यहाँ पहना है, किसी ने एक कान में पहना है, कुछ के तो ऑलरेडी पॉकेट्स में चले गए हैं। पता नहीं कैसे इमरजेंसी के लिए वो रखे हुए हैं। क्या ये बिहेवियर सही है? क्या ऐसे ही हम कोविड को हराएंगे? सोशल डिस्टेंसिंग को तो आप बिल्कुल भूल ही जाओ। आप ग्रोसरी लेने कहीं चले जाओ या मेडिसिन लेने कहीं चले जाओ, एक इधर से घुसेगा, एक इधर से घुसेगा। अगर गलती से भी आप उसे ये एडवाइस कर दो कि थोड़ा डिस्टेंस रख ले या मुँह पर मास्क पहन ले, तो वो रिक्वेस्ट एक आर्ग्यूमेंट में टर्न हो जाती है, और कई बार तो हाथापाई भी हो जाते हैं। हो सकता है वैक्सीनेटेड हो, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो सकता है। हाँ, वो बात और है कि आपकी कंडीशन सीरियस नहीं होगी, लेकिन आप वायरस को स्प्रेड कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को। और ये भी हो सकता है कि वो दूसरा बंदा जो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको खुद माइल्ड सिम्टम्स हो और वो आपको बचाने के लिए ये सब बोल रहा है। हम लोग इतनी तबाही के बाद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। वहीं एक और दुख होता है ये देख के कि एक साल से ऊपर के पेंडेमिक के बाद और इतनी तबाही के बाद, दो लॉकडाउन्स और दो वेव्स के बाद भी हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि ये वायरस कितना भयानक है और ये कितनी जल्दी स्प्रेड करता है। और ये हाल दिल्ली का ही नहीं, ये पूरे देश का है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोगों ने इस वायरस को हराना है, इन रेस्ट्रिक्शन से बाहर आना है, इन लॉकडाउन से बाहर आना है, तो हमें गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा, वेयर अ मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज, और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गेट वैक्सीनेटेड। आइए दिल्ली को, इंडिया को कोविड फ्री करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।